Hello everyone, in this lecture we are going to learn about attenuator. हम लोग attenuator के बारे में पढ़ेंगे. तो attenuator क्या है? आपका एक four terminal device है, एक आपका electrical device है जो क्या करता है, attenuate करता है. An attenuator is a four terminal device that reduces the amplitude or power of a signal without distorting the signal waveform. एटेन्यूएटर क्या है? आपका फोर टर्मिनल डिवाइस है जो क्या करता है, एम्पलीट्यूड और पावर जो है सिग्नल का उसको रिड्यूस करता है बिना, विदाउट डिस्टॉर्टिंग द सिग्नल वेवफॉर्म, बिना सिग्नल के वेवफॉर्म को डिस्टॉर्टिंग करते हुए, बिना रिड्यूस करते हुए, बिना क्षति पहुंचाते हुए उसको क्या करता है, आपको एम्पलीट्यूड और पावर को रिड्यूस करता है. एन एटेन्यूएटर इंट्रोड्यूसेस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस. और एटेन्यूएटर क्या करता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस करता है. मींस ये एटेन्यूएटर क्या है, आपका एम्पलीफायर का जस्ट उल्टा है. एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. वही एटेन्यूएटर क्या करता है, ये आपको एटेन्यूएट करता है या लॉस करवाता है. द एटेन्यूएटर नेटवर्क इज इंसर्टेड बिटवीन ए सोर्स एंड ए लोड सर्किट टू रिड्यूस द सोर्स सिग्नल मैग्नीट्यूड बाय ए नोन अमाउंट सुटेबल फॉर द लोड. एटेन्यूएटर नेटवर्क जो होता है उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं सोर्स और लोड के बीच में, बिटवीन ए सोर्स एंड ए लोड सर्किट टू रिड्यूस द सोर्स सिग्नल मैग्नीट्यूड बाय ए नोन अमाउंट सुटेबल फॉर द लोड. हम लोग एटेन्यूएटर को क्या करते हैं, सोर्स और लोड के बीच में लगाते हैं और इस हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं जो आपका सोर्स का जो सिग्नल का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं लोड के अकॉर्डिंग. जिस तरह का आपका लोड चाहिए, जितना लोड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सोर्स के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर लेते हैं. एन एटेन्यूएटर कैन बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल इन फॉर्म एंड आइदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. आपका जो एटेन्यूएटर होता है वो सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर भी होता है और एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर भी होता है, या बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर का मतलब क्या हो गया, जो उसका सीरीज आर्म है वो सीरीज आर्म का वैल्यू क्या होगा, दोनों इक्वल होगा. वही एसिमेट्रिकल नेटवर्क में क्या हो जाएगा, दोनों आर्म जो सीरीज आर्म होगा उसका वैल्यू इक्वल नहीं होगा. तो आपका दोनों फॉर्म में होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों फॉर्म में आपका एटेन्यूएटर होता है. फिक्स एटेन्यूएटर ऑल्सो नोन एज पैड. फिक्स एटेन्यूएटर जो होता है उसको हम लोग पैड बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, फिक्स एटेन्यूएटर को क्या बोलते हैं हम लोग, पैड आर यूज टू मैच अनइक्वल इंपीडेंसेस. हम लोग फिक्स एटेन्यूएटर का यूज करते हैं अनइक्वल इंपीडेंस को मैच करवाने के लिए, मैचिंग पर्पज से हम लोग फिक्स एटेन्यूएटर का यूज करते हैं. वही जो फिक्स एटेन्यूएटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैड बोलते हैं. तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है फिक्स एटेन्यूएटर को क्या बोलते हैं, तो फिक्स एटेन्यूएटर को हम लोग पैड बोलते हैं जिसका हम लोग अनइक्वल इंपीडेंस को मैचिंग के लिए यूज करते हैं. एन एटेन्यूएटर इज इफेक्टिवली द अपोजिट ऑफ एन एम्पलीफायर. आपका एटेन्यूएटर क्या है, जस्ट अपोजिट है एम्पलीफायर का. एम्पलीफायर क्या करता है, गेन को बढ़ाता है, वही एटेन्यूएटर क्या करता है, गेन को रिड्यूस करता है, कम करता है. एन एम्पलीफायर प्रोवाइड्स गेन व्हाइल एन एटेन्यूएटर प्रोवाइड्स लॉस. एम्पलीफायर क्या करता है, गेन को बढ़ाता है या गेन प्रोवाइड करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. वही एटेन्यूएटर क्या करता है, रिड्यूस करता है और ये आपको लॉस प्रोवाइड करता है और गेन लेस देन यूनिटी. और या तो वो गेन देता है, उसका गेन कितना होता है, लेस देन यूनिटी मींस वन से कम गेन होता है, तो ये आपको लॉस करवाता है. ये जस्ट आपका एम्पलीफायर का अपोजिट हो गया. ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसको हम लोग एटेन्यूएट करते हैं, मींस सिग्नल को लॉस करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग द सिग्नल वेवफॉर्म. वेवफॉर्म को हम लोग क्षति नहीं पहुंचाते हैं, बस उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सिग्नल और पावर के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करते हैं. तो ये आपका इंट्रोडक्शन था एटेन्यूएटर के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.